भारतवासियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर ब्यूरो चीफ आलोक कुमार सिंह द्वारा अपने गुरुजी के आश्रम पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला और सभी गुरु भाइयों के साथ प्रसाद ग्रहण करने का अवसर मिला। गुरुजी की दिव्य और भव्य आरती में महिलाएं और पुरुषों के साथ उमड़ी हजारों की भीड़। सभी भक्तों ने कोविड नियम का पालन करते हुए आश्रम का मान और सम्मान बढ़ाया। आश्रम में उपस्थित महात्मा शब्द विचार नंद जी और महात्मा तद्योगानंद जी ने अपने विचार व्यक्त किए। सभी के जीवन में गुरु का महत्व और मकर संक्रांति की विशेषता पर चर्चा की। R9 भारत के लिए आलोक कुमार सिंह की रिपोर्ट, सारनाथ वाराणसी से। नमस्कार, मैं आलोक कुमार सिंह, R9 न्यूज चैनल। आज मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई समस्त देशवासियों को, R9 न्यूज चैनल। मैं इस समय अपने हम लोगों का जो अपना एक पूर्वजों से हमारे बहुत पुराने आश्रम हैं, कई जगहों पे हैं, लेकिन अभी हम जिस जहाँ खड़े हैं वो सारनाथ स्थित वाराणसी में है। हमारे आश्रम का नाम श्री ब्रह्म विद्यालय एवं आश्रम है और आज मकर संक्रांति के दिन यहाँ हजारों की तादाद में श्रद्धालु उपस्थित हुए थे और प्रसाद ग्रहण किए। और आइए आज हम अपने महात्मा जी से कुछ हम लोग जो है बात करवाते हैं और आश्रम के विषय में कुछ जानकारी लेते हैं। R9 न्यूज चैनल में महात्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आज मकर संक्रांति के दिन यहाँ पे हम लोग आते हैं, सभी लोग आते हैं, हमारे गुरु भाई भी आते हैं, और ये आश्रम के बारे में कुछ आप जो है जानकारी विशेष। मेरा आश्रम ब्रह्म विद्यालय आश्रम है, मेरा मुख्य स्थान छुटकारा बच्चे बिहार है। मेरे प्रथम स्वामी ब्रह्म विद्यालय जी महाराज छपरा के निवासी थे, यहाँ से चलकर पाकिस्तान पहुँचे, वहाँ उनका शिष्य स्वरूपानंद महाराज हुए। उसके बाद फिर उनका श्री स्वामी विवेकानंद महाराज गरवा घाट में हुए, फिर वहाँ से श्री स्वामी जी महाराज श्री धर्मानंद जी महाराज हमारे राजपुर में हुए। उनका अभी वर्तमान श्री स्वामी जी महाराज हैं, जिनके हम लोग भजन भाव पूजा करते हैं। उसके बाद अभी उनके 300 सन्यासी हैं, हर जगह आश्रम है, जो भी है तीन दो सन्यासी रखते हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार हम लोग रखते हैं। हमारा आश्रम खोलने का उद्देश्य ये है कि मनुष्य का जोनी मिला तो क्यों मिला, मिलने का उद्देश्य क्या है। 84 लाख जोनी में मनुष्य का जोनी जो होता है, 84 लाख जोनी में जो मनुष्य का जोनी है वो महत्व है। रामायण में लिखा गया है कि बड़े भाग मनुष्य का रूप सूर दुर्लभ सत्य रहते हैं, बड़े भाग से मनुष्य का जोनी मिला है, जिसको पाने के लिए देवता बनी सब तरह से। कि मनुष्य का जोनी मिला है अपने आप को पहचानने के लिए, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा स्वरूप अंदर, तो जो बाहर का है वो एक दिखावा है, जिसमें रहने वाला रमण करने वाला ही राम। इसको प्राप्ति जब तक सद्गुरु के शरण में जाके सन्यासी का जीवन न जिया जाए तो आदर के कोई विशेष जानकारी नहीं है। जो भी जैसा प्रोग्राम होना रहता है तो स्वामी जी के द्वारा पहले से ही जानकारी दे दी जाती है, वो जानकारी हम लोग महात्मा जी के थ्रू मिल जाती है और वही समय जो निर्धारित होता है स्वामी जी के जरिए वही होता है, अभी कोई निर्धारित समय नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।